निम्मी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उसे अपनी जिद पर बलि चढ़ा दिया। मैं पापी हूं, खूनी हूं, मैंने अपनी माँ की जान ली है। नहीं विजय, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं अकेला रह गया हूं निम्मी, मेरा कोई नहीं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। नहीं विजय, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय, मां की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन हम तकदीर का लिखा हुआ नहीं बदल सकते। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। माँ की आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी जब मैं उसे दिया हुआ वचन पूरा कर सकूंगा। वचन? हाँ, मैंने माँ से वादा किया है कि मैं उस हथनी से इसके बच्चे को मिलवा दूंगा। मुझे फौरन निकलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं निमी, तुम यहीं रहो। जब तक मैं उस बच्चे को वापस लेकर नहीं आ जाता, तुम इस बात का ख्याल रखना कि उसकी माँ को किसी किस्म का खतरा ना हो। विजय, बेफिक्र रहो बेटे, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू अंकल। हाथी के बच्चे को उसकी माँ से मिलवाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो बच्चा मुझे वापस कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं साहब, लेकिन मुश्किल ये है कि वो बच्चा इस वक्त जानवरों के अस्पताल में है। जी, क्या हुआ था उसे? दो दिन पहले अचानक वो बीमार पड़ गया और उसकी हालत एकदम सीरियस हो गई। इस बच्चे को बहुत बीमार था साहब, मर गया। सुनो, उस बच्चे को उसकी माँ से जरूर मिला देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मिला दोगी ना? हाँ, मैं मिला दूंगा, मैं उन्हें जरूर मिला दूंगा। मेरी जरा सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी मुझे कि मैं जिंदगी भर पछताता रहूं। अपनी मां को दिया वचन मैं कैसे पूरा करूंगा, कैसे पूरा करूंगा? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? डॉक्टर साहब, इस हाथी के बच्चे को मैंने जंगल से पकड़ा था और न्यू ग्रैंड सर्कस वालों को बेचा था। आज मैं इसे वापस लेने आया, लेकिन ये बच्चा न्यू ग्रैंड सर्कस वालों का नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा तो भारत सर्कस वालों का था। जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह है, सही सलामत है। सच? यस। डॉक्टर, मैं फौरन उसे देखना चाहता हूँ। ये देखिए, सर्कस के मालिक की चिट्ठी। इट्स ऑल राइट। सोनम पांडू जी, इन्हें अपने साथ ले जाओ और वो जो हाथी का बच्चा गणेश है ना, वो इनके हवाले कर दो। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आइए साहब, ये रहा वो बच्चा। गणेश, पहचाना मुझे? Thank you.
कार्तिक। माफ कर दो मुझे, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। तुम इसलिए नाराज हो ना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मां से जुदा किया है, लेकिन अब तो मैं तुम्हें वापस लेने। वेल डन वेल डन, मैंने तुम्हें गड्ढे में गिराया था, अब तुमने मुझे गिरा दिया। हिसाब बराबर हो गया ना खड़े साहब? वापस चलिए, मैं आपको लेने आया। अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं, किसी तरह उस बच्चे को मुझसे मिलवा दो, नहीं तो मेरी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी।